जैसे कि ये कोई किरण वो भी अनंत से आ रहा है, कहाँ से आ रहे हैं अनंत से, और ये जो है प्रधान अक्ष के समानांतर आ रहा है, प्रधान अक्ष के समानांतर, और ये जो किरण है ये दर्पण से परावर्तन के बाद मुख फोकस से होकर गुजरता है। तो कोई पूछेगा कि अगर कोई किरण है वो अवतल दर्पण की बात करेगा कि अवतल दर्पण में जब कोई किरण है और वो अनंत से आ रहा है और ठीक प्रधान अक्ष के समानांतर है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद किधर जाएगा, तो वो फोकस से होकर गुजरेगी।